और नोएडा से एक बड़ी खबर मिल रही है। नोएडा के डीपीएस स्कूल में बम होने की जानकारी मिली है। ईमेल के माध्यम से ये जानकारी भेजी गई थी, सूचना भेजी गई थी। नोएडा पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही स्क्वाड डॉग की टीम भी साथ में मौजूद है और ट्रैकिंग की जा रही है। स्कूल स्टाफ और छात्रों को अलर्ट किया गया है और लगातार पुलिस की टीम और साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली नोएडा कुल मिलाकर कुछ 8 स्कूल थे जहां पर ये जानकारी भेजी गई थी कि स्कूल में बम है, जिसके बाद में स्टूडेंट्स को घर भेजा गया। लगातार तलाशी ली जा रही है, लेकिन सुबह से ये जांच जारी है। अभी तक किसी भी तरह के संदिग्ध सामान के टीम के हाथ लगने की कोई जानकारी नहीं। अभी इस पूरे मामले को लेकर जांच भी की जा रही है कि कहीं ये किसी की शरारत तो नहीं है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सुबह दिल्ली और नोएडा के कुल 8 स्कूलों में ये जानकारी मिलती है कि स्कूल के अंदर बम रखा हुआ है, जिसके बाद में हड़कंप भी मच गया। पुलिस को जानकारी दी गई, बम निरोधक टीम भी मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड की टीम और साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल की जा रही है और हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं नोएडा संवाददाता। हिमांशु, बताइए कि क्या अभी तक टीम के हाथ कोई जानकारी लग पाई है? जो जानकारी मिली थी उसको लेकर क्या अपडेट है अभी फिलहाल? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से ये मेल सर्कुलेट हुआ, सभी डीपीएस की ब्रांचेस में गया, उसके बाद से हाई अलर्ट है। और जो स्कूल है, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से जो पेरेंट्स है उनको बुलाया गया है और आज स्कूल बंद होने की सूचना दी थी, जिसके बाद तमाम पेरेंट्स पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है और सभी सुरक्षा के जो मानक है वो तय किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। वहां मौके पर सर्च किया जा रहा है पुलिस की तरफ से और फिलहाल दूसरी तरफ जो बच्चे हैं उनको सेफली निकाला जा रहा है। लिहाजा जिस तरीके से ये मेल सर्कुलेट हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो हड़कंप मचा है, चाहे स्कूल मैनेजमेंट की बात हो, चाहे जो स्कूली बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनमें, वो सभी लोग पहुंचे हुए हैं। बच्चों को सुपुर्द किया जा रहा है, स्कूल पूरी तरीके से खाली कराया जा रहा है और दूसरी तरफ पुलिस जो है वो सर्च अभियान कर रहा है। ये स्थिति नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों स्कूलों में है जी। और साथ ही दिल्ली में के स्कूलों में भी कुछ ऐसी ही जानकारी मिली है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया हिमांशु शुक्ला आपका।